नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचआरआई न्यूज पर। इस समय के दोस्तों सभी बड़ी खबरें, देश दुनिया के ताजा समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। महाराष्ट्र में कांग्रेस मंत्री का बड़ा दावा, संपर्क में है कई बीजेपी के विधायक, कभी भी बदल सकते हैं पाला। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान में सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के विधायक उसके संपर्क में हैं और वह किसी भी समय हमारे यानी कि उद्धव सरकार के साथ आ सकते हैं। यह दावा कांग्रेस की नेता और राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने किया है। यशोमती ठाकुर ने कहा है कि उद्धव सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राजस्थान में सियासी तूफान के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी बवंडर उठ सकता है। इस पर कांग्रेस की नेता और राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा है कि महाराष्ट्र ने देश को नया फार्मूला दिया है और सरकार कार्यकाल पूरा जरूर करेगी। बीजेपी को अपने 105 विधायकों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कई ऐसे विधायक हैं जो जल्द ही पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस के नेता और राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर का दावा है कि कई बीजेपी के विधायक नाखुश हैं और वह पाला बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं और किसी भी समय हमारे साथ आ सकते हैं। ये यहां पर बड़ा दावा किया गया है कांग्रेस मंत्री की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर, और कहा गया है कि कई बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं और वह जल्द ही पाला बदल सकते हैं। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के करीबी आईपीएस को सौंपी है हॉर्स ट्रेडिंग ऑडियो की जांच। केंद्रीय मंत्री शेखावत पर एफआईआर के बाद वसुंधरा खेमा हुआ काफी खुश। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने के बाद राजस्थान की सियासत ने पलटी खाई है। अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर हैं और तेज तर्रार माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एफआईआर के बाद पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गहलोत ने जिस आईपीएस अशोक राठौड़ को टेप की जांच सौंपी है वह कभी उनके करीबी नहीं रहे। वह आप लोगों को बताते चलें, वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि राज्य में वसुंधरा का विकल्प बनाए जा रहे शेखावत पर दबाव बनाने के साथ साथ पायलट खेमे पर प्रेशर बनाने का गहलोत का गेम प्लान पूरी तरह से काम कर रहा है, और यहां पर अब पूरी तरीके से बीजेपी बैक फुट पर नजर आ रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर हैं इस समय। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, 21 जुलाई तक सचिन पायलट व अन्य बागी विधायकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करे स्पीकर, ये यहां पर कहा है कोर्ट ने। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को जारी नोटिस को पायलट गुट के द्वारा जयपुर हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के मामले में अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अदालत ने कहा है कि 21 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष, बागी नेता सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 अन्य विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करें, ये यहां पर कहना है राजस्थान हाई कोर्ट का। इस बीच दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर मौजूदा हालात पर जताई है चिंता, सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव की पृष्ठभूमि में दावा किया है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति के ध्वस्त होने की स्थिति में आने और अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के कारण चीन सीमा पर हमारे खिलाफ आक्रामक हुआ है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि मौजूदा समय में लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हैं और सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विपक्ष की ओर से दिए गए सुझावों को स्वीकार भी नहीं किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव के कारणों को लेकर के अपनी बात रखी है और इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है एक बार फिर से राहुल गांधी ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद अब झारखंड में भी सियासी उठापटक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव बोले कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान में जारी राजनीतिक गहमा गहमी के बीच अब झारखंड में भी
राजनीतिक गहमा गहमी की सुगबुगाहट की बात सामने आने लगी है। सूबे में हेमंत सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा द्वारा कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाए जाने के बाद राजनीतिक तपिस काफी बढ़ गई है। दरअसल आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व झारखंड सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव कई दिनों से लगातार आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड की मौजूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा कांग्रेस के कई विधायकों को प्रलोभन दे रही है और खरीदने की कोशिश कर रही है विधायकों को। ऐसे में कांग्रेस के आरोपों को लेकर के झामुमो के भी कान खड़े हो गए हैं। जेएमएम ने इन आरोपों पर भले ही ज्यादा है तौबा नहीं मचाई है, लेकिन पार्टी स्तर पर मोर्चाबंदी तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वस्त साथियों संग इस मुद्दे पर मंत्रणा कर सतर्कता की बात कही है ताकि भाजपा को ऐसा कुछ भी करने का मौका नहीं मिल पाए झारखंड के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा लगातार खरीद फरोख्त की राजनीति की जा रही है और प्रदेशों के अंदर सरकारों को गिराने का यहां पर बीजेपी सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है और यहां पर केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आए है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे, आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश बीजेपी में भूचाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले में बगावत शुरू, उपचुनाव से पहले भाजपा में हड़कंप। जी हां दोस्तों, पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर विभागों के बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के स्वर लगातार उभर ही रहे हैं। वहीं अब भाजपा के पूर्व विधायक ने भी इस्तीफे की पेशकश कर माहौल को काफी गर्मा दिया है। यह भाजपा नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले के ही हैं। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि भाजपा में सब कुछ कंट्रोल में है और कोई भी डैमेज नहीं है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं को तवज्जो मिलने से अब पार्टी के पुराने नेताओं में नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ही गृह जिले से यह बगावत उठती हुई नजर आ रही है। अपनी ही पार्टी पर उपेक्षा और अपमान महसूस कर रहे भाजपा के नेता ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र लिखकर के यह पेशकश की है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि उपचुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ मध्य प्रदेश के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है और कई बीजेपी के बड़े नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एक ताजा सर्वे सामने निकल के आया है। सर्वे में बाइडेन से पिछड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, अंतर बढ़ा तो हार सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के राजनीति लगातार जोरों पर है। इस बीच एक ताजा सर्वे के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यह अंतर चुनाव तक बना रहा तो ट्रंप को हार का भी सामना करना पड़ सकता है अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में। और यहां पर देख सकते हैं कि लगातार जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की हार ही साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, घाटी के भाजपा नेताओं में आतंकियों का खौफ, अब तक 6 बड़े नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खत्म होने के बाद भाजपा घाटी में अपनी पकड़ बनाने में जुटी हुई है, लेकिन भाजपा के इस प्रयास को करारा झटका लगा है। दरअसल कश्मीर के बांदीपोरा जिले में भाजपा के नेता शेख वसीम, उनके पिता वसीर अहमद और भाई उमर शेख की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। आतंकवादियों की इस खौफनाक हरकत के बाद घाटी के भाजपा नेताओं में डर का माहौल है। इसी डर के कारण घाटी के 6 बड़े बीजेपी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने पहले ही वसीम को यह चेताया था कि अगर वह भाजपा नहीं छोड़ते हैं तो इसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा, और यहां पर हुआ भी ऐसा ही। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेस विधायक का इस्तीफा, कमलनाथ बोले मैं चिंतित नहीं हूं। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। नेपा नगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक सप्ताह के अंदर राज्य में कांग्रेस के लिए यह दूसरा झटका है। वहीं कमलनाथ ने इस पर कहा है कि
वह इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा कि संविधान का अब कोई भी मतलब नहीं रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे यानी कि भाजपा विधायकों से बात कर रही है और उन्हें पैसा और विभिन्न पदों की पेशकश कर रही है। भाजपा राजस्थान में भी सौदा कर रही है, संविधान का कोई भी मतलब नहीं रहा, बस बोली बोलो और राजनीति करो। ये यहाँ पर कमलनाथ ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत